तो भाइयों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम आप बात करेंगे जो T20 वर्ल्ड कप का आज के दिन का दूसरा मैच होगा और ग्रुप स्टेज का ये सुपर 12 का आखिरी मैच होगा जो खेला जाएगा इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच में। सबसे बड़ी बात है कि इंडिया की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, तो ये मैच उतना इंपॉर्टेंट उस चीज़ के लिए नहीं है, लेकिन इंडिया ये मैच जीतना ज़रूर चाहेगी। सबसे पहले भाइयों, अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर मैं आपको इस मैच की फाइनल टीम आफ्टर टॉस प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा आप कमेंट सेक्शन में जाओगे इसी वीडियो के तो जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। बात करेंगे मैच के बारे में। 1:30 बजे मैच स्टार्ट होगा, सेम ग्राउंड MCG में मैच होगा। MCG में मैच खेला जाने वाला है और ये जो विकेट है भाई बैटर्स को मदद करता है, लेकिन फास्ट बॉलर्स को यहाँ पर मदद मिलती है और अंडर लाइट है मैच होने वाला है तो फास्ट बॉलर्स को मदद मिल सकती है। एवरेज स्कोर 140-160 बनता है। 5 मैचेस यहाँ पर अब तक हुए हैं, एक जीता है बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, एक मैच ये जो है 3 मैच यहाँ पर बारिश में धुले थे, लेकिन आज के मैच में बारिश के चांसेस बहुत ही कम है। 2 मैचेस जो कंप्लीट हुए हैं यहाँ पर, फर्स्ट इनिंग में 14 विकेट फास्ट को, स्पिनर्स को 3 विकेट है, सेकंड इनिंग में फास्ट को 7 विकेट, स्पिनर्स को 3 विकेट है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ना फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा विकेट्स मिले हैं। 7 मैचेस इन दोनों टीमों के बीच में हुए हैं, इंडिया ने 5 जीते हैं, जिम्बाब्वे ने 2 जीते हैं। पहले बात करेंगे जिम्बाब्वे की टीम की। जिम्बाब्वे की टीम ने लास्ट के 6 में से 3 मैच हारे हैं, 2 मैच जीते हैं, 1 मैच नो रिजल्ट रहा है। ओपन करेंगे वेस्ली मदरवे और क्रेग इरविन। वेस्ली मदवीरे की बात करूँ तो देखो, बॉलिंग तो बहुत कम करवा रहा है, सिर्फ 3 ओवर डाले, विकेट कोई नहीं है, बल्ले से 27-0, 35 नॉट आउट 17 है, लेकिन आखिरी के 2 मैच में जल्दी आउट हुआ है 4 और 1 रन पर। करियर में 43 मैच में 901 रन, 10 विकेट है। क्रेग इरविन की बात करूँ तो पहले में 9, फिर 58, मतलब एक बढ़िया पारी आई है इसकी 58 की। उसके अलावा आप देख लो, 2-19-8-3, उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। हेड टू हेड में 3 मैच में 39 रन है। रेगिस चकबावा का भी कुछ खास रिकॉर्ड रहा नहीं है, 13-4-8-0-15-5 और करियर में 48 मैच में 682 हैं। सीन विलियम्स इनका मैन ऑलराउंडर प्लेयर है, लास्ट के 6 मैच में विकेट भले ही 2 हो, लेकिन बल्ले से 1-7-1-31-64-28 हैं। इंडिया के खिलाफ 1 मैच में 17 रन, 1 विकेट है। सिकंदर रजा तो भाई सबसे तगड़ी फॉर्म में इनकी टीम में, लास्ट के 6 मैच में 8 विकेट है और बल्ले से यहाँ पर 14-40-0-9-0-40 हैं और हेड टू हेड में 4 मैच में 39 रन, 0 विकेट है। मिल्टन सुम्बा की बात करूं तो 2 हैं, 11 नॉट आउट हैं, 18 हैं, 8 हैं, 8 हैं, 2 हैं, कोई खास प्लेयर मेरे को लगा नहीं। करियर में 30 मैच में 385, 20 के एवरेज, 4 विकेट है। रियान बर्ल की बात करूं तो नीचे आएगा, नंबर 7 के करीब बैटिंग करने आता है, कभी कभार पार्ट टाइम लेग ब्रेक बॉलिंग कराता है, लेकिन विकेट है नहीं और बल्ले से 17-9, 9 बैटिंग 10-27-2 हैं। लुक जोंगवे की बात करूँ तो 6 मैचेस में इसके नाम सिर्फ 2 विकेट है, क्योंकि बॉलिंग इसको उतनी ज़्यादा मिली नहीं, बल्ले से 20-29-6 हैं, GL में ट्राई कर सकते हो। रिचर्ड नगरावा की बात करूँ, ये अच्छा है, लास्ट के 6 मैच में 6 विकेट है इसके नाम, और अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करती है तो फिर इंपॉर्टेंट है, और लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है और इंडिया की टीम में आपको पता है राइट हैंडर ज़्यादा है तो इनका रोल बढ़ जाएगा। टेंडई चटारा के नाम लास्ट के 6 मैच में 4 विकेट है, हेड टू हेड में 2 मैच में 1 विकेट है। ब्लेसिंग मुजरबानी के नाम लास्ट के 6 मैच में 8 विकेट्स है और बहुत बढ़िया बॉलिंग करवा रहा है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैं अभी के लिए सिर्फ 4 ही प्लेयर रखूँगा, सीन विलियम्स, सिकंदर रजा और नीचे से यहाँ पर नगरावा और ब्लेसिंग मुजरबानी, बाकी मैं किसी को नहीं पिक कर रहा। बेंच पर जो भी प्लेयर है इनमें से कोई खेलता है उसके स्टैट्स आपको मिल ही जाएंगे। यहाँ से स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे रिचर्ड नगरावा, ब्लेसिंग मुजरबानी, टेंडई चटारा, डेथ के ओवर डालेंगे सीन विलियम्स, नगरावा, ब्लेसिंग मुजरबानी और लुक जोंगवे। बात करेंगे इंडिया की टीम की, 4 में से 3 मैच इंडिया की टीम जीती है, 1 मैच हारी है। ओपन करेंगे KL और रोहित। KL की बात करूँ तो पहले 3 मैच फ्लॉप था, 4-9-9, लेकिन आखिरी मैच में 50 बनाई और अच्छे टच में लगा था। हेड टू हेड में 3 मैच में 69 रन है। रोहित शर्मा ने भी पहले में 4 फिर 1 50 लगाए, उसके बाद में ये भी फ्लॉप है। जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 मैच में सिर्फ 10 ही रन है। विराट कोहली तो कमाल की फॉर्म में है, 82 नॉट आउट, 62 नॉट आउट, 12-64 नॉट आउट, जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 मैच में 26 है। सूर्य कुमार यादव भी बढ़िया फॉर्म में है, 15-51-68-30 हैं, करियर में 38 मैच में 1209 हैं। हार्दिक पांड्या लास्ट के 4 मैच में इसके नाम 6 विकेट हैं, बल्ले से 40-2-5 हैं, करियर में 77 मैच में 1036 रन, 60 विकेट है। दिनेश कार्तिक का उतना अच्छा रहा नहीं है, 1-9 बैटिंग 6-7 है। अक्षर पटेल के नाम 4 मैच में आप देख लो 2 विकेट है, लेकिन 2 मैच में इसको सिर्फ 1-1 ओवर मिला है। हेड टू हेड में 5 मैच में 51-6 विकेट है। ध्यान रखना, अगर अक्षर पटेल खेलता है तो पूरे 4 ओवर डालने के चांस रहेंगे और विकेट भी आज लेने वाला है। रवि अश्विन के नाम 4 में 3 विकेट है, 2 मैच में 2 विकेट है हेड टू हेड में। भुवनेश्वर कुमार के नाम 4 में 3 विकेट है, हेड टू हेड में 2 मैच में 2 विकेट है।
मोहम्मद शमी के नाम यहाँ पर करियर में चार मैच में, मतलब जो लास्ट के चार मैच है वहाँ पर चार विकेट है, करियर में 21 मैच में 22 विकेट है। अर्शदीप सिंह के नाम भी यहाँ पर चार मैच में 9 विकेट है। मैं इंडिया की तरफ से अभी पिक करूँगा टॉप थ्री इंडिया का, इसके अलावा मैं हार्दिक को नहीं रख रहा क्योंकि मेरा मुझे लग रहा है कि आज हार्दिक को बॉलिंग कम मिलेगी। और नीचे से मैं अभी के लिए रख रहा हूँ भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल को। बाकी मेरे को लग रहा है कि आज यूजी चहल आपको खेलते नज़र आ सकते हैं, अगर यूजी चहल खेलते हैं तो इनको आप टीम में बिल्कुल रख लेना। इंडिया की तरफ से स्टार्टिंग की ओर डालते हैं भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी। डेथ की ओर डालते हैं अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या। एनालिसिस वाला जो पार्ट है इस मैच का वो हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, चलते हैं डेमो टीम की। डेमो टीम की बात करो तो जैसा कि मैंने आपको बताया, विकेट कीपिंग सेक्शन से चकबावा को रखा है, बैटिंग सेक्शन से केएल, विराट, रोहित को रखा है, ऑलराउंडर सेक्शन से अक्षर पटेल, सीन विलियम, सिकंदर रजा को रखा है, और बॉलिंग सेक्शन से अर्शदीप सिंह, ब्लेसिंग मुजरमानी, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी को रखा है। कैप्टन सिकंदर रजा, वाइस कैप्टन अर्शदीप सिंह है। लेकिन इस मैच की फाइनल टीम आपको दूंगा आफ्टर टॉस टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पर ज्वाइन जरूर हो जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।